हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो आज अपन बेटा डिस्कस करते हैं मिड सेशन टेस्ट सीरीज का एडवांस का पेपर थर्ड। ठीक है, तो इसमें देखो टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में 2 पैसेज हैं 2x2 के, सेक्शन बी में बेटा 6 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, एंड सेक्शन डी में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तो है इंटीजर के, और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें आंसर आपको डेसिमल में भी फिल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया आपसे, कंसीडर दी पैसेज फर्स्ट देखो, कंसीडर दी कोनिक सेक्शन x² + 16 + y² + 12 = 1। एक आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है x² + 16 + y² + 12 = 1। तो देखो 1x1 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ सर्किल सी, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग सी। एक सर्किल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जो कोनिक सेक्शन सी को टच करता है एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो ये आपका एलिप्स है, इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है, इसका एक जो एंड पॉइंट है, और कौन सा एंड पॉइंट लेना अपन को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको वो सर्किल क्या करता है, उस पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ दी कोनिक सेक्शन सी, और जो सर्किल है वो कोनिक सेक्शन सी के सेंटर का, मतलब इसका सेंटर क्या होगा, 0-0 से पास करना है अपन को। तो देखो कैसे किया गया क्वेश्चन, इक्वेशन क्या, x² + 16 + y² + 12 = 1, ध्यान रखना x² + 16 + y² = 1। तो देखो किस टाइप से किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ये अपना जो इलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस होगी, और माइनर एक्सिस आपकी क्या होगी बोलो, वाई एक्सिस, क्योंकि ये 16 है, इसका मतलब ए 4 आ गया और बी कितना जाएगा √12। ये अपना बन गया सर्किल, सॉरी इलिप्स, ये इसकी 2 फुकाएं होंगी S1 और S2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, इसकी फुकाएं चेक करते हैं। तो ए कितना है इसका 4 और बी कितना है √12। √12 का मीनिंग है 2√3। इतना आने के बाद आपको क्या बोला गया, ये इसकी फुकाएं है, तो ये इसका कौन होगा, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का जो एंड पॉइंट है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस पर क्या करना है, उस एंड पॉइंट पे एक सर्किल इसको टच करता है एंड पासिंग टू दी सेंटर ऑफ दी कोनिक सेक्शन, मतलब जो सर्किल वो ऐसे ड्रॉ करना अपन को। ये सर्किल क्या करता है बोलो, इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट को इस पे टच करता है और सेंटर सी से क्या होगा, 0-0 से पास करना है। तो आपको सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करना है। देखो ये टोटल अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड को रिमूव कर दिया जाए तो उसके 4 ऑप्शन हो सकते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि 2 LR के एंड पॉइंट इधर भी होंगे ना, तो 4 पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दे दिया जाए। अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया तो सिंगल चॉइस में आंसर आएगा इसका। तो देखो तो इस सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये अपन ने एक सर्किल का पार्ट पढ़ा हुआ है कि कोई भी सर्किल अगर किसी पॉइंट पे टच करता है, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या करता है, इसको टच करता है, तो इसकी सर्किल की इक्वेशन के लिए क्या करना चाहिए। देखो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा, पहले देखो इसकी फुकाई क्या होगी, SAE, 0। तो इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, √1 - 12/16, दिस इज 3/4। उसके बाद E क्या आ गया बोलो, 1/2। इसेंट्रिसिटी आने के बाद AE की वैल्यू क्या होगी, 2। ये A है, ये इसका मीनिंग, ये फुकाई आ चुकी है 2, 0। तो बेटा ये 2 है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 2, और x 2 है तो y लाने के लिए क्या करोगे, x को 2 पुट कर दो, तो 2 लेने पे क्या आ गया, 4/16 1/4, उधर जाके क्या जाएगा बोलो, y² = 1 - 1/4, दिस इज 3/4। तो देन y² = क्या आ गया, अपॉन में 12 भी लगाना, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया बोलो, 9, तो y इससे आ गया बेटा 3। तो ये पॉइंट आ गया 2, 3।
तो अब देखो इस सर्किल की इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, ये सर्किल इस पॉइंट पे इस इलिप्स को क्या करता है टेस्ट। तो आप क्या करो, ये जो पॉइंट है 2, 3 इस पे पहले इलिप्स के लिए फाइंड आउट करो टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि अपन ने फैमिली ऑफ सर्किल में एक बात पढ़ी हुई है। आप इसका मीनिंग ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जो सर्किल है इस इलिप्स को 2, 3 पे टच करता है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये सर्किल इस लाइन को 2, 3 पे टच करता है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है, जैसे लेट एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद टच द लाइन दिस पार्ट एट पॉइंट 2, 3, एक सर्किल अगर एक लाइन को पॉइंट 2, 3 पे टच करता है तो देन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज। तो क्या करते हैं, एक सर्किल की इक्वेशन के लिए, फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन के लिए अपन को क्या चाहिए, एक तो चाहिए फिक्स सर्किल और एक क्या चाहिए फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो देखो इस 2, 3 पे ये क्या है टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो क्या होगी t = 0, तो क्या लिखेंगे बोलो, x(x1 + y(y1) = 1। तो x1 का मीनिंग 2 है, y1 का मीनिंग 3 है, तो क्या आ गया बोलो, x 2/16 + y(y1) = 12 आ गया। अल्टीमेटली आ गया x/8 + y/4 - 1 = 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ गया x + 2y - 8 = 0। ये आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल चुकी है, इसको नेम दे दिया मैंने L। चलो ये टेंजेंट पता है, ये पॉइंट गिवन है, तो क्या करोगे, ये लाइन, ये सर्किल इस लाइन को 2, 3 पे टच करता है, तो आप फैमिली ऑफ सर्किल की क्या लिखोगे इक्वेशन। तो उसके लिए मेथड क्या है, इस 2, 3 को आप क्या लेट कर लो, एक पॉइंट सर्किल, और ये लाइन गिवन है, क्योंकि एक फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन के लिए अपन को क्या चाहिए, एक तो फिक्स सर्किल चाहिए और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो फिक्स सर्किल के लिए क्या करोगे, आप 2, 3 की हेल्प से एक पॉइंट सर्किल ऐड करोगे। तो चलो इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को। तो s + λ = 0, तो फिक्स्ड सर्किल क्या होगा, 2, 3 को पॉइंट सर्किल ऐड करो, तो पॉइंट सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x - 2 का square + y - 3 का square = 0 है, तो कुछ लिखना नहीं है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज, लाइन कौन है इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, x + 2y - 8 = 0। ये आपकी क्या है, ये फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन है, और दिस सर्किल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0, 0। ये सर्किल कहां से पास करना है, 0, 0 से। जैसे आप इसको 0, 0 से पास करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट होती है, इससे 13/8 करना आप, और इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, तो आपको इस सर्किल की क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करना तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो पैसेज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद सेम लेटर सेक्टम एज कॉनिक सी। क्या बोला गया, एक पैराबोला की क्वेश्चन बतानी है, जो क्या करता है बोलो, उसकी पैराबोला की जो लेटर सेक्टम है वो क्या है, कॉनिक सेक्शन की लेटर सेक्टम के इक्विवेलेंट है। इसका मीनिंग ये है, इसमें ये नहीं बोला गया कि लेंथ ऑफ द पैराबोला इज सेम एज इलिप्स, इसमें बोला गया लेटर रेक्टम कॉनिक सेक्शन सी की इक्विवेलेंट है। इसका मीनिंग उस लेटर रेक्टम की जो एंड पॉइंट्स है उनकी हेल्प लेनी है अपन को, ओनली लेंथ की बात नहीं करनी आपको। सेम लेटर रेक्टम बोला गया है, इसका मतलब उसके एक्सट्रीम पॉइंट जो होंगे इलिप्स के, वो एक्सट्रीम पॉइंट पैराबोला के भी क्या होंगे बोलो, लेटर रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। तो देखो कैसे करोगे, अभी अपन ने इलिप्स तो ड्रॉ किया था, उसको अगेन ड्रॉ कर देते हैं। ये लेट एक इलिप्स है अपना, इसके लेटर रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट तो आया था 2, 3, तो सिमेट्री से ये पॉइंट क्या होगा बोलो, 2, -3। सिमिलरली दिस पॉइंट इज -2, 3 एंड दिस इज बेटा -2, -3। तो इसने वर्ड लगाया है पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ पैराबोला विद सेम लेटर रेक्टम, इसका मीनिंग क्या होगा, पैराबोला की जो लेटर रेक्टम है वो या तो ये लेटर रेक्टम लेट करोगे या दिस लेटर रेक्टम। तो इसके अकॉर्डिंग इसके टोटल 4 ऑप्शंस पॉसिबल होंगे। कैसे समझ लो, अगर आप इसको LR मानते हो पैराबोला का, तो या तो पैराबोला ऐसे पास होगा, या फिर पैराबोला दिस पार्ट से पास करा सकते हो, या इधर से बनाओगे तो दिस पार्ट से और दिस पार्ट से, ठीक है।
बट अपने इसके टोटल फोर ऑप्शन है, फोर आंसर है, बट अपने ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मैच करेगा उससे, तो आपको ये चारों केसेस देखने ही पड़ेंगे सेपरेट, ठीक है, और उससे एक आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो मैं एक समझा देता हूं करना कैसे, बाकी आप करके देखना। देखो जैसे लेट अपन इस वाले पार्ट की बात करते हैं कि इस पैराबोला की क्वेश्चन क्या होगी। तो देखो ये अगर एल आर के एंड पॉइंट है, ये पैराबोला के एल आर के क्या एंड पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट तो यही आ गया 2.0, और इस एल आर की लेंथ कितनी है 6, इसकी लेंथ कितनी है बोलो 6, मतलब जो पैराबोला है उसमें 4a की वैल्यू क्या होगी 6, तो उससे a आ गया 3/2। एल आर के एंड पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, इस पैराबोला का फोकस होगा f। ये पैराबोला का फोकस आ गया तो ये क्या है पैराबोला का वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होगा जो a है, फोकस और पैराबोला, फोकस और वर्टेक्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है a, तो ये 2 है, तो a कितना 3/2, तो उसको 3/2 जब लेस करोगे आप तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 2-3/2 1/2, 0। ये पैराबोला का वर्टेक्स है और पैराबोला में जो उसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो कितनी है 4a6। तो पैराबोला की क्वेश्चन क्या होगी, ये पैराबोला कैसा है अपना राइट वर्ड, तो राइट वर्ड पैराबोला की क्वेश्चन क्या लिखोगे, y-β का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a (x-α), ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। अगर आप ये राइट वर्ड, सॉरी ये राइट वर्ड पैराबोला है, अगर आप लेफ्ट वर्ड की बात करोगे तो माइनस लगा देना इसके आगे, तो उसमें क्या होगा बीटा तो 0 है और अल्फा कितना 1/2, तो कितना आ गया y² = 4a की वैल्यू 6 ले लेना x-k 1/2, तो एक पॉसिबल आंसर तो ये हो सकता है, कर दो उसको 6 से मल्टीप्लाई, तो y² = क्या आ गया 6x-k 3, तो y² - 6x + 3=0, तो ऐसा ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक बार इसकी बात करोगे, अगर आप ये वाला पैराबोला लोगे तो इसका वर्टेक्स दिस होगा, तो क्या करें ये 2a और ये a इसका, तो a ऐड कर दो तो 2 + 3/2 = 7/2, तो क्या करना है, पहली बात तो माइनस लगाओगे और उसको 7/2 करना है, तो आप 1/1 ऑप्शंस को वेरीफाई करना। तो जितना मेरे को आईडिया है इसमें ये वाला पैराबोला साथ मैच करता है आंसर, जिस पैराबोला या जिस पैराबोला, क्योंकि इसमें क्या करोगे ये पॉइंट कितना होगा -2.0 और एक इसमें 3/2 कम करोगे तो कितना जाएगा -k 7/2, ये पॉइंट कितना जाएगा बोलो -k 7/2, 0, तो बस पुट कर दो, तो y² = क्या होगा 6 × x + 7/2। तो देखो इसी से ये थर्ड ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद देखो पैसेज नंबर 2 की बात करते हैं, तो देखो पैसेज 2 में क्या है, हाँ पैसेज 2 को रीड करते हैं, एक कोनिक सेक्शन सी पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2.4, एक कोनिक सेक्शन सी आपका पॉइंट 2.4 से पास होता है, एंड इज सच दैट दी सेगमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट कंटेन बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ टेंजेंट सी। क्या मीनिंग इसका, देखो एक कर्व किस टाइप से लेना है, सेगमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स टेंजेंट, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका कौन सा सेगमेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिटवीन है वो उस पॉइंट के द्वारा बाइसेक्ट होगा आपका, मतलब जिस पॉइंट पे आप क्या करोगे इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्या करेगा कट करेगा, उसके बिटवीन जो लेंथ है AB वो लेंथ के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी उसका क्या होगा मिड पॉइंट है। लेट एस डिनोट द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन दी फोकाई F1 एंड F2 ऑफ दी कोनिक सेक्शन सी एज डायमीटर देन, और बाद में क्या बोला गया, जो कोनिक सेक्शन सी है आपका उसकी फोकाई बोली गई है F1 F2, उस F1 F2 को एक सर्किल का डायमीटर मानते हो तो बताओ उस सर्किल की क्वेश्चन क्या हो सकती है, ऐसा अगले क्वेश्चन में बात की गई है। तो चलो अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पैसेज की लैंग्वेज गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको कोनिक सेक्शन सी को क्या करना है बोलो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे ध्यान दो, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ऐसे समझो इसमें थोड़ा यूज करना अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि कोनिक सेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अपन को डिफरेंट, लेट ये कर्व है आपका y = f(x), अब देखो इसको समझना ये कर्व क्या y = f(x), अब ये बोला गया इस कर्व के एनी पॉइंट पी पे आपने क्या ड्रॉ की टेंजेंट, इसको कैपिटल x मान लेते हैं, इसको कैपिटल y, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट आपकी
कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट ए और बी पे क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट। तो ये बोला गया कि जो पॉइंट पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो बताओ पहले इस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या हो सकती है, पॉसिबल कोनिक सेक्शन। तो क्या करें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखोगे इक्वेशन ऑफ एट पी एक्स कोमा वाई, आप इस पॉइंट को लेट कर दो एक्स कोमा वाई। तो इस पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम का मतलब इसका स्लोप क्या होगा, एफ डेस एक्स। कर्व अगर एफ एक्स है तो डी वाई डी क्या होगा, एफ डेस एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। अब आपको लिखना है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, जीरो। तो जब आप कैपिटल वाई को जीरो पुट करोगे तो आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो कैपिटल वाई जीरो आ गया, इसको नीचे ले आओ और इस एक्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो आप, तो कितना जाएगा, करना अपने अकॉर्डिंग, एक्स माइनस वाई अपॉन एफ डैश एक्स, ये आ गया पॉइंट ए। सिमिलरली पॉइंट बी क्या होगा, जीरो कोमा वाई, पॉइंट बी के लिए एक्स को जीरो कर दो तो कैपिटल वाई क्या जाएगा, एक्स को जीरो लेने पे क्या आ गया, माइनस एक्स एफ डैश एक्स और प्लस के वाई, तो यह जाएगा वाई माइनस एक्स एफ डैश, ये आ गया पॉइंट ए। पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया। तो अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम से इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस प्लस दिस वाई टू, केवल एक्स से काम चल जाएगा, वाई से भी काम कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन पी अगर ए बी का क्या बोलो मिड पॉइंट, तो क्या करें स्मॉल एक्स इक्वल टू पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, एक्स इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई टू, तो एक तरीके से टू आ गया, बाई टू करने पे टू को लेफ्ट में ले जाओ आप, तो जीरो प्लस दिस, तो एक्स माइनस वाई अपॉन, तो देखो क्या आ गया, एक्स कम हो गया तो एक्स आ गया, माइनस वाई अपॉन इज एफ डेस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो एक काम करो बस इस डायग्राम का यूज इतना ही, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब इस गिवन डायग्राम की हेल्प से अपन ने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। जब आप इसमें एफ डेस एक्स को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया स्मॉल एक्स, हाँ एफ डेस एक्स का मीनिंग क्या होगा, डी ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको अगर केयरफुली देखोगे, एक ऑप्शन तो क्या, आप इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दो, या फिर ये क्या चीज है, ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, एक्स इंटू वाई का क्या डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन, तो कितना आ गया एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दिस कर्व इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट टू कोमा फोर, ये कर्व आपका टू कोमा फोर से पास कराओगे तो एक्स को टू वाई को फोर लोगे तो सी कितना जाएगा एट, तो अल्टीमेटली अपना कर्व आ गया एक्स वाई इक्वल टू एट। तो जो पैसेज की लैंग्वेज गिवन थी उसकी हेल्प से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिक सेक्शन सी को क्या करना था, फाइंड आउट। तो अल्टीमेटली कोनिक सेक्शन क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू एट। ये जो कोनिक सेक्शन है कौन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसके बाद अपन वन बाई वन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। तो बस अभी तक जो पढ़ा अपन ने सोल्व किया, इससे क्या मिला अपन को, कोनिक सेक्शन सी फाइंड आउट हो गया एक्स वाई इक्वल टू एट। इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, डायरेक्टर सर्किल ऑफ कोनिक सेक्शन सी। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखें, एक्स वाई इक्वल टू एट, एट पॉजिटिव है तो एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, तो ये बन जाएगा इसका डायरेक्टर सर्किल, सॉरी ये बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्या बोला गया, डायरेक्टर सर्किल ऑफ कोनिक सेक्शन सी। तो देखो इधर आओ, अगर आप पैराबोला हाइपरबोला ये मानते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट, तो उस केस में इसका जो डायरेक्टर सर्किल है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें मेंशन है ए अगर बी से ग्रेटर है, इस हाइपरबोला में अगर ए आपका बी से ग्रेटर है तो आपका क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, डायरेक्टर सर्किल। अगर ए लेस देन बी आ गया तो क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ डायरेक्टर सर्किल, ये तो बात हुई इस हाइपरबोला में। अगर हाइपरबोला आपका क्या हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसमें ए क्या होगा, ए इक्वल टू बी,
और जब आप ए को बी की इक्वल लोगे तो उससे क्या जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ऑलवेज उसका डायरेक्ट सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको बोलोगे पॉइंट सर्किल। तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। चलो उसके बाद देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो पैसेज टू का, इक्वेशन ऑफ सर्किल एस इज, आपको सर्किल एस की क्या बतानी है बोलो, इक्वेशन। तो सर्किल एस का मीनिंग क्या बोला गया था पैसेज में, कैपिटल एस डिनोट द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकाई एफ वन एंड एफ टू ऑफ द कोनिक सेक्शन सी एज ए डायमीटर। जो कोनिक सेक्शन है आपका कौन, एक्स वाई इक्वल टू एट, इस कोनिक सेक्शन की जो फुकाएं हैं उनको एक सर्किल का डायमीटर मानोगे तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो उसमें क्या करते हैं, ये अपना कौन है बोलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक सेकंड सॉरी, तो ध्यान रखें जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है इस y इक्वल टू एक्स पे हमेशा इसके क्या लाई करते हैं बोलो, फुकाए, एक फुकाए इसकी f1 इधर होगी और एक फुकाए आपकी f2 इधर होगी लेट। ये अगर इसकी फुकाए हैं तो एक सर्किल ड्रॉ करना है f1 f2 को उसका डायमीटर मानते हुए। तो देखो ये पता होना चाहिए, ये इस कोनिक सेक्शन c का सेंटर है तो ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस सेम, इसका मीनिंग क्या होगा, इस सर्किल का सेंटर जीरो जीरो होगा। तो सर्किल की क्वेश्चन लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर क्या होगी रेडियस का मतलब ओरिजिन से एफ वन की डिस्टेंस, ठीक है। और ये आने के बाद अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का की फुकाए क्या होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ये एंगल 45 है आपका, क्या बोलो 45, सीधा फंडे देखो ना, ये लेंथ चाहिए अपन को, तो इस लेंथ को लाने के लिए क्या करोगे, ये जो पॉइंट है जब इस कर्व को y इक्वल टू एक्स के साथ सोल्व करोगे आप तो ये कितना जाएगा, y इक्वल टू एक्स तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट तो टू रूट टू आ गया, ये पॉइंट तो आ गया टू रूट टू, क्या आ गया बोलो टू रूट टू कॉमा टू रूट टू, ये क्या इसका वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स तो आ गया टू रूट टू कॉमा टू रूट टू। वर्टेक्स आने के बाद आपको दिस पॉइंट को क्या करना, अगेन कैलकुलेट, तो दिस पॉइंट को, तो अब देखो इसके बाद क्या करना है, तो जो फुका है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ए कॉमा जीरो, अल्टीमेटली जो लेंथ है ये क्या होगी आपकी ए, तो इस लेंथ को ए बोलोगे तो ए कितना है इसका, ए का मीनिंग टू रूट टू, ए का मीनिंग क्या होगा ये वर्टेक्स से ओरिजिन की डिस्टेंस, तो ए का मीनिंग टू रूट टू इंटू हाइपरबोला सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमेशा क्या होगी रूट टू, तो ये कितना जाएगा बोलो 4, अल्टीमेटली ये पॉइंट फुकाए क्या होगी 4.4, ये 4.4 है तो डिस्टेंस क्या होगी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो रूट 32, तो r की वैल्यू रूट 32 लोगे तो बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30, तो इस टाइप से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो सेक्शन बी, इस सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 × 4 मतलब 4 नंबर के, ठीक है। तो चलो देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू थ्री वाई अपॉन टू एक्स रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज एक्स कैप वेन इज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स विद इसेंट्रिसिटी, मतलब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये क्या करती है हाइपरबोलाज को रिप्रेजेंट करती है तो बताओ उनकी इसेंट्रिसिटी क्या हो सकती है। तो देखो क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, तो क्या करते हैं डी एक्स के साथ एक्स की टर्म और डी वाई के साथ वाई की टर्म, तो कर दो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या गया 2x dx इक्वल टू 3y इंटू डी वाई, कर दो बहुत सारे इंटीग्रेशन, तो क्या गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लगा दो कॉन्स्टेंट सी, इसको लेफ्ट में ले आओ तो क्या गया बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y3 इक्वल टू सी। तो देखो इसमें क्या मेंशन है, अगर आप c को जीरो मानते हो, इफ सी जीरो, सी अगर जीरो है तो दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके लिए क्वेश्चन ने मना किया गया है, एक्स कैट वेन इट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इफ सी इज नॉन जीरो, इफ सी नॉन जीरो है तो सी नॉन जीरो में टू केसेज होंगे, सी आपका पॉजिटिव हो सकता है सी आपका नेगेटिव, सी अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा हाइपरबोला, और सी नेगेटिव है तो क्या होगा ये कंजुगेट हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी तो क्या होगी
इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस केस में तो आंसर क्या है, रूट ऑफ वन प्लस टू बाई थ्री, तो ये सोल्व करने पे जाएगा रूट फाइव बाई थ्री। और अगर आज सी नेगेटिव आ गया तो टिच बिकम कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेंटेंस सी क्या होगी, वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो उस केस में आंसर जाएगा रूट फाइव बाई टू। तो इसके टू ऑप्शन करेक्ट होंगे, रूट फाइव बाई थ्री एंड रूट फाइव बाई टू। इस टाइप से क्वेश्चन को किया गया। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की ट्राई करना। एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है एलिप्स की। फॉर ए पॉइंट पी ऑन एलिप्स दी सर्किल्स विद पी एस एंड पी एस डैश वेयर एस एंड एस डैश रिप्रेजेंट फुकाई ऑफ एलिप्स एज डायमीटर इंटरसेक्ट दी ऑक्जिलरी सर्किल ऑफ एलिप्स एट ए ए वन एंड बी बी वन रेस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या है कि एक एलिप्स के किसी पॉइंट, एलिप्स पर एक पॉइंट है पी, और फिर बोला गया पी एस और पी एस डैश को टू सर्किल के डायमीटर लेट करते हुए जब आप उनसे सर्किल ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल ऑक्जिलरी सर्किल को ए ए वन और बी बी वन पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। फर्स्ट सर्किल ए ए वन पे और सेकंड सर्किल बी बी वन पे क्या करता है, बोलो इंटरसेक्ट। देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो चलो इसके अकॉर्डिंग एक बार अपन डायग्राम्स बनाते हैं और थोड़ा समझने की ट्राई करना। देखो आपने एलिप्स लेट किया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये लेट एलिप्स है आपका। एलिप्स ड्रॉ करने के बाद देखो इस पर ये पॉइंट है आपका पी, पॉइंट पी बना दिया। एक फुका इसकी एस है और सेकंड फुका है लेट एस डैश, ये करो। अब ऑक्जिलरी सर्किल क्या होगा, इसके मेजर एक्सिस को एक सर्किल का डायमीटर मानते हुए जो सर्किल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्जिलरी सर्किल। तो ये ए है, ये ए है, तो सर्किल का सेंटर जीरो जीरो। ऑक्जिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये ए है तो ये बना दिए मैंने इसका ऑक्जिलरी सर्किल। अब देखो क्या थीम है, अब प्रॉपर्टी का यूज देखना है इसमें। इतना करने के बाद आप क्या करो, पहले पॉइंट पी पे बनाओ इसकी टेंजेंट, ये इस पॉइंट पी पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपकी इसको इन पॉइंट्स पे क्या करती है, ऑक्जिलरी सर्किल को इंटरसेक्ट। तो ये सबने पढ़ा होगा फुकाए से, सुनना ढंग से, एलिप्स की फुकाए से जब उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पे जब आप क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमेशा उसको ऑक्जिलरी सर्किल पे मीट करते हैं। मतलब ऐसे समझो हिंदी में, आपने पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ऑक्जिलरी सर्किल को इन दो पॉइंट पे कट करती है, कट करती है। उसके बाद जब आप इन फोकस से इस टेंजेंट पे क्या ड्रॉ करोगे फोटो परपेंडिकुलर, तो एस का फोटो परपेंडिकुलर तो बेटा इस पॉइंट पे मीट करता है, तो ये एंगल क्या होगा 90, और इसका फोटो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मीट करेगा तो ये एंगल क्या होगा, बोलो 90। ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं आप, क्या करो पहले इस पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ऑक्जिलरी सर्किल इक्वेशन आपको पता ही ऑलरेडी। ये लिखने के बाद जब पॉइंट एस ए कॉमा जीरो से इस टेंजेंट पे क्या करोगे फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे, एक्स माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस लाइन में पॉइंट पुट करो अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है। पुट करने के बाद जब ये पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो ये पॉइंट इस ऑक्जिलरी सर्किल को क्या करते हैं, बोलो सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये आ गया, इतना आने के बाद अब आगे समझो क्या करना है। अब एक बात को सोचो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। देखो अब इससे अगला पार्ट जो क्वेश्चन बोला गया है कि पीएस को आप अगर पीएस को एक सर्किल का डायमीटर मानते हो तो पीएस को सर्किल का डायमीटर मानोगे, और केयरफुली देखो ये जो पीएस डायमीटर है ये इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है 90, इसका मतलब सर्किल इस पॉइंट से भी क्या होगा, इस पॉइंट पे इसको टच करता है, पास नहीं तो इस पॉइंट पे टच करता है, ध्यान रखना इस बात को। इस पॉइंट पे क्या करेगा, टच, मतलब फोटो परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है इस पॉइंट पे पीएस को डायमीटर लेट करते हुए जो सर्किल बनाते हैं वो हमेशा क्या करता है, इसको टच। ये मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, इसको ऐसे लेना, सॉरी। सिमिलरली जब आप पीएस डैश को एक सेकंड सर्किल का डायमीटर मानोगे तो वो इस पॉइंट पे क्या करता है, इसको टच करता है, नॉट कट, क्या करता है, बोलो टच। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, क्वेश्चन ने तो बोला गया था कि पीएस और पीएस डैश को जब सर्किल के डायमीटर लेट करोगे तो वो ऑक्जिलरी सर्किल को ए ए वन और बी बी वन पे क्या करता है, इंटरसेक्ट। बट ये जो ऑक्जिलरी सर्किल है, सॉरी, पीएस को डायमीटर लेट करते हुए जो सर्किल बनाया वो हमेशा इसको केवल इस पे टच करेगा,
तो ये ए बी होगा और ये ए डैश बी होगा, दोनों चीज होंगी, और ये पॉइंट आपका बी वी और बी डैश है। तो इससे देखो फर्स्ट ऑप्शन तो क्लियर हो गया अपना, ए एंड ए वन आर को इनसाइड एंड बी एंड बी वन आर को इनसाइड। और उसके बाद बोला गया सेकंड ऑप्शन में सिगमेंट ए बी इज टेंजेंट टू द इलिप्स पी। यस सर, इस पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है वो ए बी तो होगी, ए बी बोलो ए डैश बी डैश बोलो नो प्रॉब्लम, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद ये देखो एस ए एंड एस बी एस डैश बी आर पैरेलल, ठीक है, ये टेंजेंट है आपकी एल, ये लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी क्या इस पे परपेंडिकुलर, ये तो डायग्राम थोड़ा दिखने में गलत है बट ये लाइन ऐसी थी टेंजेंट, ये बी एस डैश बी परपेंडिकुलर है और ए एस बी आपकी क्या परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये तो दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, तो एस ए और एस डैश बी क्या होंगी पैरेलल, तो इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका वन टू और थर्ड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, टेंजेंट एट ए एंड बी ऑन ऑक्सिलरी सर्किल्स आर परपेंडिकुलर। जब आप इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस पॉइंट बी पे क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो ये एंगल 90 नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये हुआ ना, ये जो ऑक्सिलरी सर्किल है इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो एंगल है वो 90 नहीं होगा। एंगल 90 क्या होगा, अगर आप इन सर्किल की बात करोगे, इस ऑक्सिलरी सर्किल पे आपने ये क्या ऑक्सिलरी सर्किल पे दो पॉइंट्स हैं, तो इन दो पॉइंटों पे टेंजेंट परपेंडिकुलर कब होगी, जब आप इसके डायरेक्टर सर्किल पे ड्रॉ करोगे, और इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करना, आप इस पॉइंट पी को मान लेना एच कोमा के, कुछ भी क्यों मान लो, और आप ये बोल दो कि इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की दिस एंड दिस, तो क्या जाएगा एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, और अगर ये दोनों टेंजेंट आपकी परपेंडिकुलर है तो क्या करना कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये करने से अगर ये आ जाता है ऑक्सिलरी सर्किल तो करेक्ट आंसर है, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो जब आप ये मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, तो इसका वन टू फोर ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा सा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज थ्रो ए पॉइंट पी माइनस टू कॉमा जीरो, टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर टू एट एक्स। पॉइंट माइनस टू कॉमा जीरो से आपने इस पैराबोला पे दो टेंजेंट ड्रॉ की पी क्यू एंड पी आर कर देते, टू सर्किल्स ईच पासिंग थ्रू दी फोकस ऑफ दी पैरो सॉरी टू सर्किल्स ईच पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड वन टचिंग पैराबोला एट क्यू एंड अदर टचिंग पैराबोला आर। मतलब आपने दो सर्किल ड्रॉ किए, एक सर्किल तो फोकस दोनों सर्किल आपके फोकस से पास होंगे, एक सर्किल तो पॉइंट क्यू पे टच करता है पैराबोला को और एक आर पॉइंट पे टच करता है, करो कोई बात नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के रेस्पेक्ट में कौन से पॉइंट लाइज ऑन दी कॉमन कॉर्ड ऑफ दी टू सर्किल, मतलब इस पी क्यू आर ट्रायंगल के कौन से पॉइंट जो सर्किल है उनकी कॉमन कॉर्ड पे लाई करते, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से बोले गए ऑप्शन में, सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। मतलब ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट इन दोनों सर्किल की कॉमन कॉर्ड पे बेटा लाई करते, तो देखो क्या करेंगे। तो चलो एक बार अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक सर्किल गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है समझे, एट एक्स, ये एक पॉइंट है माइनस के टू कोमा जीरो, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पी पे आपने क्या ड्रॉ की टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर होगी और एक टेंजेंट, ध्यान रखें डायग्राम सिमेट्रिक है तो दोनों टेंजेंट एज ए ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब सेकेंड टेंजेंट आपकी इसी पॉइंट से पास होगी। ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को नाम दिया गया है क्यू, इसको नेम दिया गया है आर। फिर ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो ए कितना 4 ए 8, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू। अल्टीमेटली ये जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है वो इसी पॉइंट से पास होगी एक्स इक्वल टू माइनस टू से, तो बेटा ये एंगल कितना होगा 90, क्योंकि याद रखें जब आप
दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या करते हो, दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और वो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तो वो एंगल क्या होगा, 90, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स ही इसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स सर्किल होगी, तो ये पॉइंट पी पे एंगल क्या होगा, 90। और जब आपको ये पता है कि डायग्राम सिमेट्रिक है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होंगी, ध्यान रखें ये लेंथ भी सेम होगी, ये लेंथ भी इसके इक्वल होगी, तो ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 आ गया, तो अब आपको ये पॉइंट देखना है। और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दो पॉइंट पे टेंजेंट आपने ड्रॉ की तो वो टेंजेंट ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री के एंगल बनाती है, बट वो पॉइंट अगर ये है -2.0 एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ये जो क्यू आर है ये इसका क्या होगा, लेटस रेक्टम, क्या होगा बोलो, लेटस रेक्टम, रिमेंबर दिस। तो ये पॉइंट आ गया 2.0, तो इसमें एक्स तो आ गया 2, तो वाई कितना जाएगा 4, ये आ गया 2, -4, तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। ये लो सब कुछ मिल चुका है। इतना आने के बाद अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये इसकी फोकस है, तो एक सर्किल ड्रॉ करो जो फोकस से पास होगा और पॉइंट क्यू पे टच करता है इसको। ये लो, अब थोड़ा ये ध्यान रखे इस बात को, ये बन गया। सिमिलरली जब इस पॉइंट पे टच करोगे और इस फोकस से पास कराओगे तो अगला सर्किल बनाओगे तो वो इसी टाइप से बनता है। इसमें करके देखना आप, इसको मैथमेटिकली देखना, इस सर्किल की क्वेश्चन को कैसे करोगे फाइंड आउट, वही सेम मेथड, ये सर्किल इस पॉइंट पे इसको टच करता है तो इस 2.4 को एक पॉइंट सर्किल मान लेना, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, और एल का मतलब इस पॉइंट पे इस टेंजेंट, इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे। ली लिखने के बाद इट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2.0, ये 2.0 से पास करें तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो फर्स्ट सर्किल आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड सर्किल भी आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट, दोनों सर्किल आने के बाद ये लेट सर्किल S1 है, ये लेट सर्किल आपका S2 है, तो कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो जब आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करने पे आता है y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, ये जो इसकी x एक्सिस है ये इसकी क्या होगी, कॉमन टेंजेंट। चलो कॉमन टेंजेंट आ चुकी है, और एक कॉमन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट पी, ध्यान रखें। अब देखो जरा, ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलस। और बेटा अगर ट्राइंगल आपका आइसोसेलस है, क्या बोलो, ट्राइंगल आइसोसेलस, तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि आइसोसेलस ट्राइंगल के ऑल 4 पॉइंट्स आर कुलिनियर, चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे बोलो, कुलिनियर, मतलब वो चारों पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे लाई करेंगे। और आप ये देखो ना, ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो जब आप इस पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो यही लाइन होगी आपकी, ये जो लाइन है ये मीडियन भी है, ये इसका एंगल बाई सेक्टर भी है, ये इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी है, और ये इसका एल्टीट्यूड भी है, इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट है आपके इसी लाइन पे लाई करेंगे। और ये लाइन कौन है इसकी, कॉमन कॉर्ड, इसका मतलब क्वेश्चन ये तो पूछा गया है कि कौन से पॉइंट लाइज ऑन देयर कॉमन कॉर्ड, तो ऑल 4 पॉइंट्स आर लाइज ऑन दी कॉमन कॉर्ड, तो इसके ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसके चार ऑप्शंस क्या होंगे बोलो, करेक्ट होंगे। चलो चलो उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, दी पॉइंट पी ऑन दी एलिप्स ऑफ दिस पार्ट फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ एन इज मैक्सिमम वेयर ओ इज ओरिजिन एंड एन कॉमा दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू दी टेंजेंट एट पी इज ऑब्लिक आर। क्या बोला गया क्वेश्चन, कमी नहीं, एक एलिप्स पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ओ है उससे आप उस पर ड्रॉ करोगे फोटो परपेंडिकुलर, तो उसको पॉइंट एन पे मीट करता है, तो जो ट्राइंगल बनेगा पी ओ एन उसका एरिया अगर मैक्सिमम है तो बताओ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, चलो एक बार इस एलिप्स के अकॉर्डिंग इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन, इसकी मेजर एक्सिस कौन होगी बोलो, एक्स एक्सिस, तो ये एलिप्स बनेगी अपना। अब क्या करना है, इस एलिप्स पे एक पॉइंट है लेट पी, इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ की बोलो, टेंजेंट। इस टेंजेंट पे आप क्या करोगे, ओरिजिन से क्या ड्रॉ करोगे, फोटो परपेंडिकुलर, तो ये लेट पॉइंट है आपका एन, तो एक ट्राइंगल बन गया ना ओ पी एन, तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैक्सिमम है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा गया। तो अपन को ट्राइंगल का एरिया क्या करना, मैक्सिमाइज करना, तो एक काम करो अपन को तीनों पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन हो तो आप स्टेयर मेथड से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने पॉइंट पी लेट किया, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लगोगे,
टू कॉस थीटा कोमा साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को बस, कब जब ओ एन पी का एरिया का मैक्सिमम। तो ये पॉइंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो का मीनिंग एक्स एक्स वन, तो एक्स अपॉन टू कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन वन साइन थीटा इक्वल टू वन। इसका मतलब टेंजेंट क्या चुकी है, एक्स कॉस थीटा प्लस टू वाई साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या करना, पॉइंट पी आ गया, अब आपको लाना है पॉइंट एन। तो पॉइंट एन क्या है, ओरिजिन से इस लाइन पे फोटो परपेंडिकुलर। तो आप क्या यूज करना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस लाइन पे फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो क्या होगा, इस पॉइंट को मान लेना एक्स कॉमा वाई, तो क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो अपॉन ए, लिख देते हैं एक बार, एक्स माइनस जीरो अपॉन ए का मीनिंग कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन बी का मीनिंग टू साइन थीटा इक्वल टू माइनस, लाइन में पॉइंट पुट करो तो जीरो जीरो माइनस टू, तो माइनस टू आ गया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर, ये आ गया। एक बार इन दोनों को पकड़ना, एक बार इन दोनों को, तो आपको पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखो अल्टीमेटली पॉइंट एन कितना जाएगा अपने पास, देखो सभी, इससे आ गया पॉइंट एन इज कॉस थीटा को इससे करते तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो क्या आ गया बोलो टू कॉस अपॉन सी स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर कोमा, साइन को करोगे तो क्या जाएगा फोर एस अपॉन सी स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास पॉइंट एन, पॉइंट एन आ गया। पॉइंट पी कितना था बोलो टू कॉस कोमा साइन, और ओ कितना है जीरो जीरो। बस ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, तो अब अपन लिख सकते हैं ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो ये थीम तो थी इस पार्ट की, पहले पॉइंट पी लेट किया, उस पर टेंजेंट ड्रॉ की, फिर आपने ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया फोटो परपेंडिकुलर। तो आप फोटो परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। चलो इसके बाद इसको हटा देते हैं। अब अपन इन तीनों पॉइंटों की हेल्प से क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ओ पी एन का एरिया कैलकुलेट। तो क्या लिखोगे, डेल्टा ओ पी एन। तो आप ट्राइंगल का एरिया क्या करोगे, या तो स्टेयर मेथड से करना या डिटरमिनेंट मेथड से, वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन। जब आप ये सॉल्व करोगे बेटा, तो इससे ट्राइंगल का एरिया जाएगा थ्री साइन कोस अपॉन सी स्क्वायर प्लस फोर एस स्क्वायर। इतना आने के बाद अब देखो इस एरिया को करना मैक्सिमाइज। तो देखो बच्चे क्या करते हैं इसमें, इसको वाई मान के इसका कर, क्या कर देते थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बट वो लेंथी प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा मेथड। देखना मैंने एक काम किया, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया डिनोमीटर से, तो जब सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ऊपर एक सी कट गया, तो क्या रह गया थ्री टेन थीटा अपॉन वन प्लस फोर टेन स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद एक काम करो, ये जो टेन थीटा है, आप एक काम करो डिनोमीटर से टेन थीटा भी कॉमन ले लो। जैसे आप डिनोमीटर से टेन थीटा कॉमन लोगे बेटा, तो क्या जाएगा ये थ्री अपॉन फोर टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब दिस पार्ट की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। तो क्या करें, इसमें अप्लाई करते हैं एम जी एम। तो एम ग्रेटर देन जी एम की हेल्प से ले सकते हो, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो दो नंबर का एम क्या जाएगा फोर टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी फोर टेन थीटा अपॉन वन बाय टेन थीटा अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो रूट ए बी करने पर टू आ गया, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी फोर होगी ना, फोर टेन थीटा प्लस वन वाई टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी फोर। तो जब ये मिनिमम होगा उस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एरिया आ गया थ्री बाई फोर, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे फोर। तो चलो मैक्सिमम एरिया आ गया हमसे मैक्स, इसका डेल्टा मैक्स कितना आ गया बोलो थ्री बाई फोर। एरिया से मतलब नहीं मेरे को, एरिया मैक्सिमम कब था, जब आपने इसको इक्वल टू लिया फोर लिया। इक्वल टू का मतलब ए एम इक्वल टू जी एम, और ए एम इक्वल टू जी एम का मीनिंग जिन नंबर्स में आप ए एम जी एम अप्लाई करोगे वो ऑल नंबर्स आर इक्वल साइमल्टेनियसली। इसका मीनिंग आपने किस में ए एम जी एम अप्लाई किया है, फोर टेन थीटा और वन बाई टेन थीटा में। तो आप फोर टेन थीटा को वन बाई टेन थीटा के क्या करोगे इक्वल, तो क्या आ गया फोर टेन थीटा इक्वल टू वन बाई टेन थीटा, देन वी विल गेट टेन स्क्वायर थीटा वन बाई फोर, तो टेन थीटा जाएगा वन बाई टू। ये लो टेन थीटा वन बाई टू आ गया, तो ट्राइंगल बना दो, ये वन है ये टू है ये रूट फाइव है। तो क्या कर सकते हैं इसको थीटा, ये थीटा है ना, तो आप साइन कोस की वैल्यू कर देना फाइंड आउट। साइन कोस की वैल्यू आने के बाद अब देखो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है,
टेन थीटा की वैल्यू क्या बोलो पॉजिटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी, फर्स्ट एंड थर्ड में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी बोलो, टेन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होगी बोलो, फर्स्ट और थर्ड में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा कि दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आने के बाद इससे आ गया टेन थीटा इक्वल टू 1/2, तो टेन थीटा को 1/2 लेने के बाद आप ट्राइंगल से साइन कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो साइन थीटा तो आ गया 1/√5 और बेटा कोस थीटा जाएगा 2/√5, इन दोनों की वैल्यूज को आप इस पॉइंट में पुट कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके 4 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, जब टेन थीटा को 1/2 लोगे तो फर्स्ट में साइन कोस दोनों पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोस दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि डायग्राम चारों क्वाड्रेंट बन सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ के में। तो इसके 4 पॉसिबल आंसर है, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, सेम। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन थीटा को 1/√5 लोगे तो वाई क्वाड्रेंट तो जाएगा 1/√5, और कॉस को लोगे 2/√5 तो यह जाएगा 4/√5। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आने के बाद फिर इसी में आपको क्या लगाना है, प्लस माइनस। तो एक ऑप्शन आ गया दिस पार्ट, बाकी ये दो ऑप्शन आ ही नहीं सकते। इसके 4 पॉसिबल आंसर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बट उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्या होगी, 4/√5, 1/√5। तो अभी इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही बेटा करेक्ट होगा। तो उसमें ये मोस्ट पार्ट था, इतना करने के बाद AMGM से इसको मैक्स बेंच करना ज्यादा सिंपल था। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, ये भी एक ठीक क्वेश्चन है। इफ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ दी हाइपरबोला दिस पार्ट फ्रॉम दी पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, क्या बोला गया, पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर से आपने इस हाइपरबोला की दोनों डिफरेंट ब्रांच, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांचेज पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन टू, तो देन अल्फा बिलोंग्स टू, मतलब कब पॉसिबल हो सकता है, तो देखो समझो उसको एक बार। पहले अपन ड्रॉ करते हैं हाइपरबोला, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझो। मैंने ये ड्रॉ की इसकी एसिम्प्टोट्स, ये सबको पता होना चाहिए। एसिम्प्टोट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए एसिम्प्टोट की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए का मीनिंग 1 लेना है, बी का मीनिंग 4 लेना, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, तो अल्टीमेटली आ गया 2x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो एक इक्वेशन तो क्या होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों इसकी डॉटेड लाइन के एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा, हाइपरबोला का सेंटर। तो ध्यान रखें इस सेंटर से आप हाइपरबोला पे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपरबोला इस सेंटर से एक टेंजेंट इधर होगी और एक इधर, तो ये टेंजेंट नहीं है, इसकी एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट का मतलब जो टेंजेंट इनफाइनाइट पर जाके मीट करती है, तो सेंटर से आप नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर पॉइंट सेंटर के अलावा कहीं भी लोगे आप एसिम्प्टोट्स पे, इधर लो इस वाले पोर्शन में, इधर या इधर, तो इस पोर्शन में कहीं भी पॉइंट लोगे तो उससे केवल आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इस इधर पॉइंट आपने पी लेट किया, इस पॉइंट से या तो टेंजेंट इधर वाली ब्रांच पे ड्रॉ होगी या इधर वाली ब्रांच पे, तो केवल सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा तो हाइपरबोला के आउटर साइड, बट वो पॉइंट आपका क्या होना चाहिए बोलो, इस वाले पोर्शन में, या तो इस वाले पोर्शन में, या दिस पोर्शन में, या दिस में, या दिस में, तो आप हाइपरबोला की डिफरेंट ब्रांचेज पे टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या होगा, ये पॉइंट पी या तो इधर या इधर या इधर या इधर, पहली बात तो सुन लो, ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला, तो कोई भी पॉइंट हाइपरबोला के आउटसाइड हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, S1 less than 0, उल्टी। सर्किल और एलिप्स में तो अलग है, S1 greater than 0 का मीनिंग पॉइंट आउटसाइड ही एलिप्स एंड पैराबोला और सर्किल, बट S1 less than 0 में पॉइंट आउटसाइड द हाइपरबोला। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देते, पहले तो क्या जाएगा बताओ, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 4/4 माइनस 1 less than 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर आने वाला है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर ऑलवेज आउटर साइड ऑफ द हाइपरबोला, तो ये कंडीशन तो ऑलवेज फुलफिल होगी।
अब आपको क्या करना है अगली कंडीशन में देखो, कि जो पॉइंट पी है अगर SM टूट्स की दोनों ब्रांचेज की बिटवीन है तो 100% आप उसकी डिफरेंट ब्रांचेज पे दो टेंजेंटो कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हुआ ना, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो L1 L2 के रेस्पेक्ट में पॉइंट क्या है, उनकी बिटवीन है। तो अपन ने पढ़ा होगा पोजिशन ऑफ पॉइंट, दो लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो एक पॉइंट दो लाइनों के बिटवीन की कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट लाइन में पॉइंट पुट करो अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर अपॉन, सेकेंड लाइन में पुट करो अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, उसका रेशियो क्या होगा हमेशा नेगेटिव। तो इसमें पुट किया तो क्या आ गया, 2α + α² कोमा 2α - α² इज लेस देन 0। बस इस इनइक्विटी को अपन क्या कर देते बोलो सॉल्व। तो देखो एक तो अल्फा कोमा आके कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गए एल फर्स्ट प्लस टू अल टू माइनस अल्फा, तो एक काम करो माइनस कोमा ले लो, साइन चेंज हो जाएगा आपका, न्यूमेटर वाला -2 पे 0 है 2 पे, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। इसका मीनिंग या तो अल्फा 2 से बड़ा होगा या अल्फा -2 से छोटा होगा, तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये थीम यूज करनी थी इस क्वेश्चन पे। चलो उसके बाद देखो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को क्या है। लेट पी क्यू बी ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर टू 4ax, पी क्यू वाई स्क्वायर टू 4ax की फोकल कॉर्ड बोली गई है, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू, आपने पी और क्यू पॉइंट पे क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की, मीट एट पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन वाई इक्वल टू 2x + a। तो जब आप इस पॉइंट पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट वाई इक्वल टू 2x + a पे लाई करता है, जिसमें a पॉजिटिव है। इफ द कॉर्ड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देन टेन थीटा इज, तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दो क्या करना चाहिए, पहले एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्या बोला गया कि लेट ये इसकी फोकल कॉर्ड है पी क्यू, एक ये लेट पॉइंट पी है और ये लेट पॉइंट इसका, ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मतलब जो फोकस से पास होती है। इस पे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो देखो पहली बात तो ये सुनो, आपने एक पॉइंट पी लेट किया ए टी वन, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, पी ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1, और सेकेंड पॉइंट क्यू लेट किया बेटा ए 2t² कोमा 2a t2। तो अभी पता होना चाहिए कि दो पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेट आर माना, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जीएम कोमा एएम, मतलब इन दोनों का जीएम क्या होगा at1 t2 और am क्या होगा at1 + t2। ये ध्यान रखे कंसेप्ट पता होना चाहिए अपन को। इतना आने के बाद pq अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है तो t1 t2 की कंडीशन क्या होगी, t1 t2 हमेशा बेटा -1 होता है, ध्यान रखे। तो ये पॉइंट आ गया आर कितना -a, a (t1+t), इसका यूज है वो करेंगे अभी। अब ये पॉइंट लाइज ऑन दी दिस लाइन, इसको यूज करना, बट एक बात बताओ इस पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, इसका मतलब इस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगी x = -a। अल्टीमेटली जो पॉइंट आर है वो इस लाइन पे लाई करेगा, ध्यान रखें ये दो कर दी। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन में देखो x को 0 लोगे तो y a आ गया, a पॉजिटिव है इसका मतलब a इधर होगा, और y को 0 लोगे तो a क्या आ गया -a/2 इधर होगा। इसका मीनिंग ये लाइन पहले ऐसे ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ की, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट r बोला गया है। इसका मीनिंग इस पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट तो बनाओगे इधर और एक टेंजेंट बनाओगे इधर, इसलिए मैंने इसको रिवर्स मेथड से बनाया डायग्राम को। ठीक है, ये r पॉइंट इस टाइप से इस लाइन पे भी लाई करता है और इस डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इस PQ से जो वर्टेक्स है इस पे जो एंगल है ये, इसको नेम दिया गया थीटा, तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपके पास पॉइंट P पता है at1² - 2at1, Q पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट आ गया और R पॉइंट भी आ गया, ये तीनों पॉइंट आने के बाद आप क्या करोगे, हाँ सॉरी अपन को तो बताना है एंगल ये कितना होगा। तो क्या करना, पहले इसका स्लोप तो मान लेना m1 और इसका स्लोप मान लेना m2। तो स्लोप क्या होगा at1² - 2at1 और 0, तो m1 तो क्या गया y2 - 0 /
एक्स टू माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा 2a t1 अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब ये आ गया 2y t1, क्या आ गया बोलो 2y t1, और ये जाएगा 2y t2। बोलो ये सुनो, m1 तो आ गया बोलो 2y t1 और m2 आ जाएगा 2y t2। इतना आने के बाद क्या करना है ध्यान दो, ये एंगल पूछा गया है तो m1 m2 पता है, तो आप tan थीटा के फॉर्मूले से एक बार उसकी मॉडुलस वैल्यू चेक करो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अप्लाई कर देना मोड में। अब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव इसका डिसीजन लेंगे बाद में, क्योंकि ऑप्शन भी उसी फॉर्मेट में गिवन है इस क्वेश्चन में। ये वैल्यू पुट कर देना तो क्या आ गया 2y t1 माइनस 2y t2 अपॉन 1 प्लस t1 t2, तो 4 t1 t2, t1 t2 की वैल्यू कितनी -1, ये लो तो ये तो 3 आ गया अपॉन में, तो कितना आ गया बोलो 3। अल्टीमेटली आ गया tan थीटा कितना, देखो अगेन 2 कॉमन, ये आ गया t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 का मल्टीप्लाई -1 हटाओ मोड आ रहा है तो अपॉन में आ गया 3, ये आ गया 2/3 t2 माइनस t1 का मोड। अब आपको t2 माइनस t1 की वैल्यू चाहिए, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या करोगे, ये इतना आने के बाद ये जो पॉइंट आर है वो इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो आप इस पॉइंट आर को इस लाइन में क्या कर देना पुट, तो चलो पुट कर देते पॉइंट आर लाइज ऑन दी लाइन, तो उस पॉइंट आर में वाई कोऑर्डिनेट तो कितना है ए, t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x, x कितना है ए, तो माइनस ए हो गया, ए से ए कैंसिल, तो अल्टीमेटली आ गया t1 प्लस t2 इक्वल टू -1। ये लिखने के बाद t1 t2 कितना है बोलो -1, इन दोनों को सोल्व कर देना, अब t2 की वैल्यू पुट कर देना -k1/t1, तो t1 में क्या बनेगी क्वाटिक, तो क्वाटिक फॉर्मूले से t1 आ गया, t1 को टेकिंग प्लस लोगे तो उसके रिगार्डिंग t2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये गुणा भाग आप करना, t1 t2 की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और रूट के अंदर प्रेजेंट होगी। t1 t2 आने के बाद या फिर एक काम करो ना, सीधा t1 माइनस t2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रूट ऑफ कितना क्वाड्रेटिक का यूज करो, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2, ये लो फिनिश कार्यक्रम, मजा आ गया अब तो क्या आ गया t1 माइनस t2 का मोड, रूट ऑफ t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी -1 का स्क्वायर 1 और t1 t2 -1 तो रूट 5 आ गया, लो क्या आ गया बोलो रूट, इसको जब पुट करोगे तो tan थीटा आ गया 2√5/3। अब 2√5/3 आपका थर्ड ऑप्शन भी है और फोर्थ ऑप्शन भी है, तब ये क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों ऑप्शन टिक करने या टेकिंग प्लस या टेकिंग माइनस, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, तो देखो यही मेन पार्ट था और ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन 2013 का शायद, ठीक है। अब ये देखना है कि जो थीटा है ये एक्यूट एंगल होगा या ऑब्टूस, इसी पे काम करना है, तो देखो क्या किया गया उसके लिए, तो देखो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, एक बात सुनो, ये अपन को पता है अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उसके डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है, किस पे मीट करती है बोलो डायरेक्ट्रिक्स पे, और ये एंगल हमेशा कितना होगा 90, क्योंकि इस पैराबोला का जो एक्स इक्वल टू माइनस है इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्टर सर्किल है, और डायरेक्टर सर्किल के किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनके बिटवीन एंगल हमेशा 90 होगा, इतना आ गया समझ में। अब सुनो मैंने क्या किया, अगर आप PQ को किसी सर्किल का डायमीटर मानते हो कि कंसिडर ए सर्किल एज PQ एज ए डायमीटर, एक सर्किल है जिसका PQ क्या उसका डायमीटर, तो PQ को अगर सर्किल का डायमीटर मानोगे तो सर्किल का डायमीटर PQ है और ये एंगल 90, इसका मतलब जो सर्किल ड्रॉ करोगे वो R पॉइंट पे इसको क्या करेगा टच करता है, प्रॉपर्टी को यूज किया, ये लो भाई सर्किल बन गया, PQ उसका डायमीटर ध्यान रखना नॉट ए कॉर्ड, तो इसका मतलब इसका सेंटर कहीं यही होगा ना, चलो होने दो सेंटर, इसका मिड पॉइंट होगा कहीं भी कहीं। अब एक बात थोड़ा सुनो, ये लाइन इस पे एंगल अगर 90 बनाती है तो ये लाइन इसके बिटवीन कहीं भी पॉइंट लो आप, मेरी बात दोबारा सुनो, ये PQ सेगमेंट इस जगह एंगल 90 बनाती है तो इस जगह एंगल क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा, क्योंकि आप देखो ना इस आर को पास लेके जाओगे तो ये एंगल बढ़ेगा हमेशा, और आर आगे जाता जाता जब इस जगह आ जाएगा तो एंगल कितना जाएगा भाई, इसका मतलब ये 90 है तो थीटा की वैल्यू 100% 90 से ग्रेटर होगी, इसका मतलब tan थीटा कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट करना है नॉट थर्ड ऑप्शन, ठीक है, तो इस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को, चलो ठीक है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की, सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो आपके क्या है इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन जिसका न्यूमेरिकल आंसर फिल करना है, और अगले 4th क्वेश्चन क्या नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर का मतलब
उसका डेसिमल, टू डिजिट डेसिमल तक आंसर फिल कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दी फिगर ऑफ ए बी, इस फिगर ए बी में एक सर्कल है, इस पे पॉइंट ए पे टेंजेंट है जिसकी लेंथ 6 बोली गई है, ओ इसका सेंटर है, डी इस सर्कल के अंदर कोई भी क्या एक इंटीरियर पॉइंट है, डी वी लाइन इस सर्कल को सी पॉइंट पे कट करती है, सब कुछ बोला गया डायग्राम में। उसके बाद ये 6 लेंथ है, 3 ए 3 है, और ओ डी की लेंथ आपको बोली गई बेटा 2। तो आपसे बोला गया कि सर्किल की रेडियस अगर आर है, ओ ए कैस की रेडियस आर है, तो बताओ स्टेप आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो उसमें थीम क्या क्वेश्चन को करने की, एक बार क्या करो इस पॉइंट को आप ज्वाइन करो बी से। तो देखो ये एंगल 90 है आपका, ये आर ए 6 है, तो बेटा इसमें ओ बी की लेंथ क्या होगी, इससे आ गया ओ बी इक्वल टू रूट ऑफ कितना, आर स्क्वायर प्लस 36। ओ बी आने के बाद अब देखो आगे क्या करना है, अगेन क्या कि इस पॉइंट ओ को मैंने सी से ज्वाइन किया, तो ओ सी भी क्या है, इसकी रेडियस है यार। तो ये जो डेल्टा है आपका कौन सा, ओ बी डी, इस डायग्राम को थोड़ा क्लियरली देखा, डेल्टा ओ बी डी में ये जो सी है वो इस डी बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये 3 ही 3 है, इसका मीनिंग पॉइंट ओ से जब आप इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो सी पॉइंट पे मीट करेगा। अल्टीमेटली इसमें पता चल गया कि डेल्टा ओ बी डी में ओ सी इसका कौन है, मीडियन। अगर ओ सी मीडियन है तो मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ओ सी इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ ओ ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। तो मैं लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग कर दो सीधा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 2 डॉट ओ डी स्क्वायर प्लस 2 डॉट ओ बी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर, बी डी का मतलब 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनो मेरी तरफ, ओ सी आर है, ओ डी 2 का मतलब 4 आ गया तो 8 बन जाएगा, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आप ऑलरेडी लिख ही चुके हो, और बी डी का मतलब 6 है, इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देना तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 22, तो देन आर आ जाएगा आपका रूट 22। ठीक है, अभी गुणा भाग खुद कर सकते हो, तो आर अगर रूट 22 आ गया तो जब इसका स्टेप लोगे तो रूट 22 का मीनिंग क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग का स्टेप किया जाएगा 4, तो इसका 4 आंसर आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड क्या बोला गया, ए नॉर्मल टू दी हाइपर बोला एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब इस हाइपरबोला का जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई पे इक्वल इंटरसेप्ट क्या करता है, कट ऐसे, एक बार समझो डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझना, ये लाइट इस पॉइंट पी पे इसकी टेंजेंट है और ये इस पॉइंट पी पे इसकी नॉर्मल है, तो ये जो इंटरसेप्ट है ये दोनों इक्वल है, तो एक काम करो ना, ये ओ है, इन पॉइंटों को आपने ए बी कंसिडर किया और इस पॉइंट को लेट करो पी, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये ए है ये भी ए है, तो अगर ओ ए और ओ बी दोनों ए है तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या लिख सकते हैं, एक्स अपोन ए प्लस वाई अपोन ए इक्वल टू 1, मतलब इससे आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है, अपने अपने अकॉर्डिंग लेट की है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ दिस नॉर्मल टच द इलिप्स ऑफ दिस पार्ट, ये जो नॉर्मल है वो इस इलिप्स को टच करती है, तो बताओ 9/25 ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो उसके लिए क्या करना है, देखो ऐसे समझो, पहले तो आप नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करो, क्योंकि एक बात बताओ, ये लाइन है वाई इक्वल टू, ये नॉर्मल आ गया माइनस के एक्स प्लस ए, ये नॉर्मल इस इलिप्स को टच करती है, मतलब ये लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो कोई भी लाइन अगर एक इलिप्स को टच करती है तो इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का मतलब ए आ गया। हाँ, एक काम करो, ए मत लेट करना, ए ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है, तो उसको अपन एक काम करते हैं, इस इंटरसेप्ट की लेंथ को कैपिटल ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बोलो, कैपिटल, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो ये कैपिटल ए है, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम का मतलब माइनस 1, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो वैल्यू पुट करनी है आपको उसमें, तो इस कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड कर गया, और कैपिटल ए क्या है, इसका इंटरसेप्ट है। अब अपन
इस हाइपरबोला के लिए नॉर्मलिटी की बात करते हैं। तो देखो आप एक काम करो, इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट पी लेट करोगे, पी ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, बी का मतलब वन है इसमें। अब एक काम करना, इस हाइपरबोला पे लिखो टेंजेंट का स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और सुनो ये नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप कितना है माइनस के वन, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया एम इक्वल टू वन। तो एक काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पी के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो। टी का मीनिंग एक्स अपॉन टू सेक थीटा माइनस वाई अपॉन वन टेन थीटा इक्वल टू वन। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, माइनस एक्स का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट। जब आप ये थीम लगाओगे माइनस एक्स का कोफिशियंट, तो माइनस सेक थीटा अपॉन टू अपॉन वाई का कोफिशियंट माइनस टेन थीटा, और ये टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल। तो टू उधर चला गया, तो इससे आ गया सोल्व करने पे साइन थीटा वन बाई टू। ये लो भाई साइन थीटा वन बाई टू आ गया, तो एक काम करो ट्राइंगल बना दो अपना, साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू है, तो ये वन है ये टू है, तो कितना आ गया रूट थ्री। तो आप एक काम करो ना, सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दो और टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट पी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस बोले गए, इसका मतलब पॉइंट पी फर्स्ट में है, तो सेक और टेन दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक काम करो ना, साइन थीटा आ गया तो पॉइंट पी के क्वाड्रेंट क्या होंगे, टू इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या है टू बाई रूट थ्री, तो आ गया फोर बाई रूट थ्री, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी वन बाई रूट थ्री। ये लो पॉइंट पी आ गया, और अब क्या करें, ये पॉइंट पी इस लाइन पे सेटिस्फाई, पॉइंट पी लाई ऑन दिस नॉर्मल, तो इस पॉइंट पी को इस लाइन में पुट कर दो, तो क्या आ गया फोर बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री इक्वल टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए आ गया फाइव बाई रूट थ्री। कैपिटल ए की वैल्यू जब फाइव बाई रूट थ्री इसमें पुट करोगे तो कितना जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री, कितना आ गया बोलो ट्वेंटी फाइव बाई थ्री। तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है ट्वेंटी फाइव बाई थ्री, तो इसको पुट करने पे क्या आंसर जाएगा थ्री आंसर जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट एक्स वाई है उसके कोऑर्डिनेट कैसे इंटीग्रल, मतलब दोनों एक्स एंड वाई बोथ आर इंटीजर, हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ दिस पार्ट। मतलब ये जो कंडीशन है क्या है, ये सर्किल का एक इंटीरियर पोर्शन है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस कितनी है फाइव, ये जीरो कॉमा फाइव हो गया, ये जीरो कॉमा माइनस फाइव, और ये फाइव कॉमा जीरो है, इसका सेंटर जीरो जीरो, और ये पॉइंट आ गया माइनस फाइव कॉमा जीरो। अब क्या बोला गया कि सर्किल के अंदर उन पॉइंटों को बताओ जिनके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे इंटीजर। तो क्या करें, आप इसके अंदर एक पॉइंट मान लो पी एक्स वन कॉमा वाई वन, ये एक्स वन कॉमा वाई वन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पॉइंट पी लाइज इनसाइड दी सर्किल, इसका मतलब इसमें पुट कर सकते हैं ना। तो क्या आ गया एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन ट्वेंटी फाइव। अब देखो इसको करने का बेटर ऑप्शन यही है, एक्स वन की वैल्यू पहले जीरो मानो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री और फिर फोर, फाइव तो ले नहीं सकते ना क्योंकि पॉइंट अंदर होना चाहिए। तो देखो जब आप एक्स वन को जीरो लोगे तो वाई वन स्क्वायर आ गया लेस देन रूट ट्वेंटी फाइव, तो वाई वन का मोड क्या जाएगा रूट लेस देन फाइव, तो y1 का मोड लेस देन 5 है, तो y1 की वैल्यू क्या होगी माइनस फोर से प्लस फोर, y1 की वैल्यू क्या होगी बोलो माइनस फोर माइनस थ्री डॉट 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 माइनस सॉरी प्लस थ्री और फोर। तो ये वैल्यू कितनी है, चार और चार आठ, नौ वैल्यू है। x को जीरो लेने पे y1 टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो ये वैल्यू कितनी है टोटल नाइन आंसर है। फिर एक बार क्या लोगे, एक्स वन को वन ले लो, आप एक्स वन को वन लेट करोगे बेटा तो वाई वन स्क्वायर लेस देन रूट ट्वेंटी फोर, वाई वन क्या आ गया वाई वन स्क्वायर आ गया ट्वेंटी फोर से लेस, तो वाई वन का मोड क्या होगा लेस देन रूट ट्वेंटी फोर, तो अगेन वाई वन की वैल्यू क्या होगी बताओ माइनस के रूट ट्वेंटी फोर से प्लस के रूट ट्वेंटी फोर, तो ये भी क्या फोर पॉइंट समथिंग, तो अभी भी आपके यही नाइन आंसर आने वाले। मतलब जब एक्स वन को वन लोगे तो वन कॉमा जीरो, वाई वन जीरो हो सकता है, एक वन टू थ्री फोर और अगेन सेम, तो इसके आंसर भी क्या होंगे बोलो ये भी नाइन आंसर है। फिर एक बार टू लोगे, तो जब एक बार एक्स वन को टू लोगे तो पच्चीस माइनस वन
एक्स वन को टू लोगे तो फोर आ गया, तो रूट ट्वेंटी वन, ये रूट ट्वेंटी वन का मतलब अभी भी फोर से लेस होगा, तो इसके भी चार आंसर आएंगे आपके, तो ये भी कितने आंसर आएंगे बोलो, नाइन। सिमिलरली जब एक्स वन को थ्री लोगे, थ्री लेने पे सोलह आ गया, तो वाई वन की वैल्यू माइनस फोर से फोर इक्वल टू नहीं है, तो माइनस फोर फोर को नहीं लोगे तो जीरो वन टू थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, तो सात आंसर आएंगे, वन टू थ्री और वन टू थ्री, तो ये कितने आंसर होंगे, सेवन। और लास्ट इज जब इसको वन टू थ्री फोर लोगे तो नाइन आ गया, नाइन का मतलब माइनस थ्री से थ्री, तो उसके बिटवीन इंटीजर कौन होंगे, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू, तो ये कितने आंसर है बोलो, फाइव। सेम आंसर इधर होंगे, तो देखो जितने पॉसिबल आंसर आपके दिस पार्ट है उतने आंसर इतने होंगे ना सेम, तो इनको डबल करके इनको ऐड कर दो नाइन को, क्योंकि एक्स एक्स वाई एक्स तो क्या होगी कॉमन, तो देखो ये नौ अठारह अठारह और बारह तीस और साठ और नौ सिक्सटी नाइन, तो इसके टोटल क्या आंसर होंगे बोलो, सिक्सटी नाइन आंसर होंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये मेथड आना चाहिए कि जब भी इंटीग्रल पॉइंट फाइंड आउट करने सर्किल पे या पैराबोला जिस पे भी है तो आप तरीके से करोगे वैल्यूज लेट करके, बाकी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला गया, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स पॉसिबल फ्रॉम 11 बाय 4 कॉमा 1 बाय 4 टू द पैराबोला दिस पार्ट, इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स पे एक पॉइंट गिवन है 11 बाय 4 कॉमा 1 बाय 4 से कितने पॉसिबल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे समझो ये एक पैराबोला है, ध्यान रखिए पॉइंट इस पैराबोला के इनसाइड है, क्योंकि पैराबोला के अंदर अगर पॉइंट्स है तो उसी से आप डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर पॉइंट पैराबोला के आउटर साइड है तो उससे केवल एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इससे कितने पॉसिबल नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो आप सबने पढ़ा होगा जनरली एक पॉइंट पी एच कोमा के से आप पैराबोला पे थ्री नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसने बोला कि डिस्टिंक्ट नॉर्मल कितने होंगे, तो एक काम करो ना आप लेट करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, आप पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हो स्लोप फॉर्म में, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन याद रखो, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी याद होनी चाहिए, स्लोप फॉर्म में भी, ये आपने नॉर्मल की इक्वेशन लेट की, फिर क्या करें इसमें ए तो वन है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए, तो ए वन है तो ए को हटा देते इसमें से, लो ए को वन कर दो, तो क्या आ गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस एम क्यू, अब इट इज पासिंग थ्रू दी 11 बाई 4 कॉमा 1 बाई, इसको पास करा दो 11 बाई 4 कॉमा 1 बाई 4 से, तो क्या जाएगा 1 बाई 4 इक्वल टू 11 एम बाई 4 माइनस टू एम माइनस, अभी देखो एम ए क्यूबिक की क्वेश्चन, तो स्टूडेंट क्या करते हैं फटाफट थ्री आंसर फिल कर देते हैं, अरे यार ये एम ए क्यूबिक तो है बट ये देखो कि एम की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि उसने पूछा डिस्टिंक्ट नॉर्मल क्या होंगे, अगर डिस्टिंक्ट वर्ड को हटा दिया जाए फिर तो आंसर थ्री फिल कर सकते हो आप, अगर तीनों नॉर्म इसके रियल नॉर्म है, अभी समझ जाओगे आप करने के बाद, फोर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, सबको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो तो देन वी विल गेट 4m क्यूब 11m माइनस 8m प्लस 3m, तो क्या आ गया माइनस के 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, अब इसके करोगे आप फैक्टर, तो देखो अल्टीमेटली क्या होगा इसमें m इक्वल टू माइनस वन, इसको बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो m इक्वल टू माइनस वन इसको क्या करता है सेटिस्फाई, तो m प्लस वन इसका क्या होगा एक फैक्टर, तो आप m प्लस वन से इसको डिवाइड करना तो इधर आएगी m a क्वाड्रेटिक, बट जब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे ये क्वाड्रेटिक क्या आने वाली है वो याद है मेरे को, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आती है सोल्व करने पे 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करने पे आ गया m इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब ये जो m एक क्वाड्रेटिक बनेगी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे m की एक ही वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू होंगी बट बोथ आर सेम, तो तीनों नॉर्मल रियल तो हैं बट वो डिस्टेंट नहीं है, अगर ये पूछे कि नॉर्मल कितने होंगे डिस्टेंट वर्ड को उठा दी जाए फिर तो आंसर थ्री फिल करना है, बट अगर डिस्टेंट वर्ड लगा दिया कि डिस्टेंट नॉर्मल क्या होंगे तो फिर आंसर क्या फिल करोगे टू, क्योंकि m को आपको m को m की आपको क्या मिली टू डिफरेंट वैल्यूज, तो आपके टू डिस्टेंट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका टू आंसर आपको फिल करना, ठीक है ना। चलो तो बस यही है कि इस इक्वेशन को याद रखें y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, अब जो रिमेनिंग फोर क्वेश्चन है वो क्या आपके नॉन नेगेटिव, मतलब आपको डेसिमल फॉर्मेट में भी आंसर फिल करने पड़ सकते हैं पॉइंट के बाद। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर
प्लस 8 इक्वल टू 4x कोइंसाइड विद वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स ऑफ दिस पार्ट। इस पैराबोला की फोकस इस एलिप्स की एक फोकाई के साथ क्या कोइंसाइड, तो बताओ इस एलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होगी। तो देखो चलो पहले पैराबोला की बात करते हैं, ये क्या पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 8। पहले पैराबोला की देखते हैं फोकाई क्या होगी, 4 कॉमन तो क्या आ गया बोलो x माइनस 2। एक काम करो उसको स्टैंड मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x, तो इसकी फुकाई क्या होगी कैपिटल a कॉमा 0, 4a 4 है तो a क्या आ गया 1, तो क्या आ गया 1 कॉमा 0। बट इसमें x की जगह कौन x माइनस 2, तो x माइनस 2 को 1 लोगे तो अल्टीमेटली अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की फुकाई क्या होगी 3 कॉमा 0। ये तो क्या कैपिटल x कॉमा कैपिटल y है, बट अपना कौन है स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, तो इस पैराबोला की फुकाई क्या होगी 3 कॉमा 0। अब अपन बात करते हैं एलिप्स की फुकाई, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखोगे इसको, इसको भी आप पहले परफेक्ट को बनाओ। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में जब 3 कॉमन लोगे तो क्या आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करोगे x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग ऐड करो सबट्रैक्ट करो, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 12। ये तीनों तो क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और माइनस 12 उधर चला गया, इसको 12 से डिवाइड किया तो क्या आ गया बोलो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन आ गया 12yb। ये आ चुका है एलिप्स, तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, बस x की जगह क्या मानना है x माइनस 2, तो इसको अगर आप ये मानोगे कैपिटल x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 12yb, तो इसकी फुकाई क्या होगी f प्लस माइनस a कोमा 0, a तो कितना है 2, तो f आ गया प्लस माइनस 2e कोमा 0। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाओ पहले रूट ऑफ 1 माइनस दिस अपॉन 4, तो 12yb अपॉन 4 तो कितना जाएगा 3yb, ये इसकी इसेंट्रिसिटी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है इन दोनों की फुकाई को इक्वल करना है, तो इसकी फुकाई 3 है और इसकी फुकाई क्या होगी नॉट 2e, इसमें 2b तो ऐड करोगे बाद में, x की जगह x माइनस 2 लेना है, तो इसकी फुकाई क्या होगी बोलो 2 प्लस 2e इक्वल टू इसकी फुकाई का x, क्योंकि इन दोनों के y कोऑर्डिनेट तो कितने 0, तो क्या करना है 3 इक्वल टू 2 प्लस 2e, तो ये आ गया 2e इक्वल टू 1। इस e की वैल्यू को ऊपर कर देना, जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे बेटा तो b की वैल्यू आ जाती है इसको सोल्व करने पे 4। अब b को 4 लोगे तो b को 4 लेने पे क्या आ गया 1 माइनस 3y 4, 1y 4, तो सेंट्रिसिटी जाएगी इसकी 1y 2, तो आपको आंसर फिल करना 1y 2 का मतलब 0.50 डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो क्या आंसर फिल करोगे 0.52 इसका आंसर फिल करना है। ठीक है चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 इज टेंजेंट एट पी टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 2 मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, एक्स वाई इक्वल टू 2 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है, इसका इस पर एक पॉइंट गिवन है पी, इस पर आपने क्या ड्रॉ की टेंजेंट्स जो एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे मीट करती है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज कैपिटल ए वेयर ओ इज ओरिजिन देन टेन अपॉन ए इज, देखो क्या करना है आपको हाइपरबोला गिवन है एक्स वाई इक्वल टू कहीं भी ड्रॉ कर लो नो प्रॉब्लम, इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट है पी, इस पर क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो क्या करती है एक्स को ए पे वाई को बी पे, तो ट्राइंगल बन गया ओ ए बी, तो इस ट्राइंगल का बताओ एरिया क्या होगा, तो एक काम करो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा डेल्टा ओ ए बी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ का मतलब 1y2, बेस ओ ए तो हाइट कौन होगी ओ बी, तो आपको करना क्या है इसमें ओ ए और ओ बी की वैल्यू को कैलकुलेट, तो यार ओ ए और ओ बी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए इस पॉइंट पी पे लिखो टेंजेंट की इक्वेशन, तो अपन एक काम करते हैं इस पैर हाइपरबोला पे पॉइंट पी लेट करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, एक्स वाई इक्वल टू है ना, तो एक काम करो अगर एक्स कोऑर्डिनेट मैंने टी माना तो वाई क्या आ गया 2y t, ये लो, तो इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी टी इक्वल टू 0, तो अभी पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन वाई टू, तो एक्स वाई वन दिस 2y t प्लस वाई एक्स वन का मीनिंग टी अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो क्या गए 2x अपॉन टी प्लस, थोड़ा याद रखें चीजों को ताकि क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इस टेंजेंट की इक्वेशन में जब y को 0 लोगे
तो x कितना आ गया 40 बाई टू, तो इस पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 40 बाई टू, मतलब 2t, 0। सिमिलरली ये जाएगा 0, 4t, ये लो ये दोनों पॉइंट पता है, तो इसकी लेंथ तो 2t है, इसकी 4t है, तो पुट कर दो और क्या है, तो पुट करने पे कितना जाएगा 1/2, OA की लेंथ कितनी है बोलो 2t, इनटू इसकी लेंथ कितनी है बोलो 4t, तो सोल्व करने पे कितना आ गया बोलो 4 आंसर आ गया इसका। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया 4, कैपिटल A 4 आ गया, तो 10/4, तो 10 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आंसर 2.50, तो इसका 2.50 आंसर आपको फिल करना है। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको एक बार। द इक्वेशन ऑफ लार्जेस्ट सर्किल विद सेंटर 1, 0 दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन द एलिप्स ऑफ दिस पार्ट इज दिस पार्ट, मतलब एक सर्किल इसका सेंटर 1, 0 है और वो इस एलिप्स के अंदर स्क्राइब्ड है, और क्या बोला गया लार्जेस्ट सर्किल है, उसकी इक्वेशन क्या बोली गई है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, देन 3r/2 इज। तो चलो एक बार इसका डायग्राम बना के देखते हैं। देखो आपको एलिप्स की इक्वेशन क्या गया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 16, आप 16 से डिवाइड कर दो साथ के साथ, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, एक पॉइंट है 1, 0। इस 1, 0 को अगर एक सर्किल का सेंटर लेट करते हो, फिर आपको इस पर क्या बनाना है सर्किल, और वो सर्किल क्या करता है, इस सर्किल को इस एलिप्स के अंदर बनाना है, और वो क्या है ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट सर्किल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी साइड को टच करा दो आप ग्रेटेस्ट सर्किल के लिए। अब देखो थोड़ा समझने की बात, ये इसमें मुद्दे की बात, ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल सबसे बड़ा है, और आपको पता है ये सेंटर 1, 0 है, सर्किल और ये एलिप्स, ये एलिप्स आपका अप और डाउन में क्या सिमेट्रिक है, मतलब जितना पोर्शन ऊपर है उतने पोर्शन नीचे, और अगर ये सर्किल की रेडियस है, तो एक बात बताओ ये डायग्राम सर्किल का भी क्या होगा, इसका सिमेट्रिक होगा, मतलब डायग्राम एकदम एजिटेज होगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ये जो 1, 0 है वो सर्किल का सेंटर है, तो ये सर्किल की क्या होगी रेडियस होगी, मेरी बात समझे, उसी केस में क्या होगा एक लार्जेस्ट सर्किल होगा, या फिर एक काम करो सेंटर अगर 1, 0 तो सर्किल ऐड करो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर लिख रखा है इसने, चलो अपन रेडियस को आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर लिखो, आर लिखो क्या फर्क पड़ता है, आर लिख दो ऑटोमेटिक आर ही जाएगा अपने पास, ये लिखने के बाद ये सर्किल ये एलिप्स एलिप्स को क्या करता है टच करता है, तो कंडीशन ऑफ क्या लगाओगे टेंजेंसी, तो एक काम करो आप एलिप्स से y स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो इट इज बिकम क्वार्टिक इन x, ये x में क्या बनेगी क्वार्टिक, और x में क्वार्टिक बनने के बाद इसके बोथ रूट्स आर इक्वल, जो x में क्वार्टिक बनेगी उसमें क्या होगा x की दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी, तो आप इसका d 0 कर देना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे इससे y स्क्वायर की वैल्यू इसको उधर शिफ्ट करो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो y स्क्वायर जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16, इस y स्क्वायर की वैल्यू को पुट करने के बाद जब आप स्क्वायरिंग ओपन करोगे तो ये क्या बनेगी x में क्वार्टिक इक्वेशन, और उसका d 0 कर देना, जैसे ही आप इसका d 0 करोगे बेटा तो सीधा r आ जाएगा आपके पास 11/3, क्या होगा बोलो r इक्वल टू 11/3, तो r का मतलब ये रेडियस का स्क्वायर एक तरीके से, तो r को जब 11/3 लोगे तो आ गया 11/3 कैंसिल, तो 11/2 आ गया, तो 11/2 का मीनिंग आ गया 5.50, तो आपको इसका आंसर फिल करना 5.50, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया देखो पढ़ो सभी, द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट 1, 2, मतलब इस पैराबोला पर एक पॉइंट है 1, 2, 1, 2 इसको क्या करता है बोलो सेटिस्फाई, तो इस 1, 2 पे आप क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो उस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में इस पैराबोला की जो इमेज है मिरर इमेज वो दिस इक्वेशन गिवन है, तो देन बताओ 1/α + β की वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ा एक बार समझो क्वेश्चन को फिर करते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पैराबोला गिवन है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये लो ये पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला पर एक पॉइंट गिवन है 1, 2, इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे बोलो टेंजेंट, अब ये बोला गया कि इस टेंजेंट के रिगार्डिंग दिस पैराबोला की इमेज भी क्या होगी पैराबोला, मतलब
इस पॉइंट की रिगार्डिंग जब इसकी इमेज लोगी तो चलो रफली डायग्राम बना दी ऐसे। तो बताओ इसकी इक्वेशन गिवन है दिस पार्ट, तो देन अल्फा वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, ये लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी जीरो, टी का मतलब वाई वाई वन, तो वाई टू इक्वल टू क्या गया फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई टू, ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया वाई इक्वल टू आ गया एक्स प्लस टू, ये आ गया एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो समझो एक मेथड तो क्या है, आपको ये जो रेड वाला सॉरी ब्लैक वाला जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन चाहिए, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा, ये जो गिविन पैराबोला है इस पे कोई भी जब एक आर्बिट्री पॉइंट लेट करोगे क्यू, उस पॉइंट की जो इस टेंजेंट में क्या लोगे इमेज, तो वो टेंजेंट की इमेज हमेशा इस मिरर इमेज वाले पैराबोला पे लाई करेगी। इसका मतलब इस मिरर इमेज जो पैराबोला है इस पे कोई भी एक एनी पॉइंट है पी, उसको मान लिया मैंने एच कोमा के, इस पॉइंट एच कोमा के का क्या बता लोकस, और क्यू पॉइंट दिस पैराबोला पे, तो इस पे पॉइंट मान लो टी स्क्वायर कोमा टू टी, ए टी स्क्वायर कोमा टू टी, तो ए तो वन है इसमें, तो पॉइंट क्योंकि इस लाइन में इमेज एच कोमा के है, तो आप इमेज एज फॉर्मूले से एक रिलेशन फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा रिलेशन, एक्स माइनस एच वन मतलब क्या आ गया बोलो, एच माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए का मीनिंग वन इक्वल टू के माइनस y1 इज 2t अपॉन b का मीनिंग माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, पॉइंट को लाइन में पुट करो तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आ गया 2। एक बार इन दोनों को पकड़ना और एक बार इन दोनों को, तो दो रिलेशन मिलेंगे आपको, उन दोनों रिलेशन की हेल्प से आपको क्या करना है t का एलिमिनेशन, जैसे आप t का क्या करोगे एलिमिनेशन, तो आपको मिरर इमेज के पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो उस इक्वेशन में देखना आप, इधर तो आ रहा होगा 4, मतलब ये आंसर आने वाला है इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, तो अल्फा 4 है बीटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 बाई 5, तो देन इसका आंसर फिल करना है 0.20, क्या फिल करोगे बोलो 0.20, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।